किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, एक प्लांट्स तब तक हेल्दी रह सकता है जब तक उसकी रूट हेल्दी है। रूट हेल्दी होना बेहद ही इंपॉर्टेंट है एक अच्छी फसल लेने के लिए, बेहतर उत्पादन लेने के लिए। आप कुछ भी डाल लीजिए, अगर उसकी रूट्स अच्छी नहीं है, रूट का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, रूट में किसी कीट का अटैक है, किसी फंगस का अटैक है, तो आपकी फसल अच्छी आएगी ही नहीं। क्योंकि ज़्यादातर जो फर्टिलाइजर देते हैं हम सॉइल में देते हैं, पौधा ज़्यादातर जो खादों या न्यूट्रिशन को लेता है सॉइल के माध्यम से लेता है, पानी लेता है सॉइल के माध्यम से लेता है। अगर उसका रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, रूट में कोई कीट फंगस होगा, तो हमारा अच्छा उत्पादन की हम सोच नहीं सकते हैं। किसी भी फसल के लिए, हर फसल पर लागू होता है। तो देखिए, हम एक सीरीज बनाने वाले हैं, कंप्लीट सीरीज बनाएंगे कि आप अपनी रूट की, प्लांट्स की जो रूट है, आप कोई भी फसल लगाते हैं, अपनी फसलों की जड़ों की केयर कैसे करें, जिससे आप, हम आपको उसमें बताएंगे कि कौन कौन से फर्टिलाइजर आप उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं जिनका आपको डालना चाहिए, जिससे रूट फॉर्मेशन बेहतर हो, जड़ों का विकास बेहतर हो। दूसरा, हम PGR बताएंगे कि कौन कौन से PGRs रूट डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं, यानी कि एनहेंस करते हैं। अगर रूट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो कौन कौन से PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसलों की जड़ों का जो रूट फॉर्मेशन है, जड़ों का विकास है, वो अच्छा देखने को मिले। तीसरा, हम बताएंगे थर्ड टॉपिक में कि आप कौन कौन से रोग आपकी फसलों की जड़ों पर अटैक कर सकते हैं, और उनको रोकने के लिए कौन कौन से बेस्ट फंजीसाइड है, क्यूरेटिव में या प्रिवेंटिव में, यानी कि रोग आने से पहले भी और रोग आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी। हम ऑर्गेनिक भी जानेंगे और केमिकल भी जानेंगे, जो भी आप खेती करते हैं उसके हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि हमारी फसलों पर, की जड़ों पर कौन कौन से कीट आ सकते हैं, जैसे नेमाटोड्स है, वाइट ग्रब है, या और भी रूट मैगोट है, ये बहुत सारे कीट होते हैं जो हमारी फसलों की जड़ों पर अटैक करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में कौन सी दवाएं अच्छी हैं, क्यूरेटिव में कौन सी दवाएं अच्छी हैं, ऑर्गेनिक ऑप्शन कौन सा है, केमिकल ऑप्शन कौन सा है, तो कंप्लीट सीरीज हम लाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल फर्टिलाइजर पे कि अच्छे रूट फॉर्मेशन के लिए आपको कौन कौन सी खाद अपनी फसलों में देने चाहिए, कब देने चाहिए, वो जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो पॉइंट नंबर 1 जो है आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, हम शुरुआत करते हैं खादों से, फर्टिलाइजर से। तो देखिए, अच्छे रूट फॉर्मेशन के लिए जो सबसे जरूरी होते हैं, दो तत्व होते हैं। पहला होता है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस बेहद इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ जो कैल्शियम है उसकी भी कमी नहीं होनी चाहिए हमारे प्लांट्स के अंदर। अगर कैल्शियम तत्व की कमी है और आप फास्फोरस देते जा रहे हैं तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो फास्फोरस अच्छे जड़ विकास के लिए चाहिए, फास्फोरस तत्व चाहिए, लेकिन साथ में कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और कैल्शियम ही नहीं, हर तत्व पर्याप्त मात्रा में प्लांट के अंदर होना चाहिए, तभी अच्छा डेवलपमेंट होता है पौधे का। तो देखिए, हमें ये कोशिश करनी है कि प्लांट के अंदर सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो। और फास्फोरस डेवलपमेंट के लिए हमें जड़ों के डेवलपमेंट के लिए हमें जो फास्फोरस है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फास्फोरस को आप DAP के माध्यम से पूरा करते हैं अपनी फसलों में, और बहुत सारे किसान भाई SSP का उपयोग करते हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम DAP को, क्योंकि या DAP हो या SSP हो, दोनों को हम सोइंग टाइम पे डालते हैं, यानी कि बेड प्रिपरेशन के समय, बुवाई के समय जमीन में डालते हैं एज ए बेसल डोज, बेसल डोज की तरह देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि DAP हमें नहीं मिलता है, मार्केट में नहीं मिल रहा होता है आपको, तो उस समय दिक्कत आती है कि किसान भाइयों को बुवाई भी करनी है, और किसान भाई ने ऐसी, किसी किसान साथी ने ऐसी बुवाई कर दी है कि DAP नहीं मिला और उन्होंने ऐसे अपने खेत को बो दिया है, तो क्या हम बाद में DAP का उपयोग कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको जो तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप DAP को ऐसे बिखेर दें तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो DAP को अगर आप बाद में यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको जो DAP है, DAP का एक बैग है, एक एकड़ में आप जितना भी डाल रहे हैं एक बैग डाल रहे हैं, तो उस एक बैग को आपको क्या करना है कि उसके 3 गुना अधिक सॉइल लेनी है, मिट्टी लेनी है अपने खेत की, 3 गुना अधिक मिट्टी लें, और उस मिट्टी के अंदर जो हमारा एक कट्टा DAP है उसको मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब उसको ढक कर कवर कर दें, कवर कर दें और उसको छोड़ दें आप ऐसे ही कुछ समय के लिए, 5 दिन के लिए, 5 दिन बाद फिर उसको खोलें और फिर आप उसको अच्छे से चलाएं और फिर कवर कर दें 5 दिनों के लिए। तो अब कवर किससे करना है, पोलोथीन से कवर करना है, जिससे कोई भी उसमें ना तो एयर टाइट हमें करना है, एयर अंदर ना जाए, तो इस तरीके से करना है और छोड़ देना है। फिर 10 दिन बाद जो ये DAP है ये आ जाएगी, इसके अंदर जो पोषक तत्व अवेलेबल फॉर्म में आ जाएंगे, और इसका उपयोग अब आप अपने खेत में कर सकते हैं।
सिंचाई से पहले डाल करके फसल में और पानी दे सकते हैं। इससे फिर आपके फसल को तुरंत उसकी जड़ों को जो फास्फोरस है वो अवेलेबल होगा और रिजल्ट भी आपको बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कर सकते हैं अगर उस समय आप डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाई है। देखिए डीएपी का उपयोग जैसे हम बेसल डोज में करते हैं या बाद में कर रहे हैं, तो आपको करना है प्लांटिंग के या बुवाई के 20 दिन बाद आपको डाल देना चाहिए। प्लांटिंग के 15 दिन बाद भी आप डाल सकते हैं, तो ये आपको डिपेंड करेगा कि आप कब दे सकते हैं। 15 से 20 दिन में आपको डाल ही देना चाहिए क्योंकि उस समय हमारे पौधे की जड़ों का विकास हो रहा होता है। तो फास्फोरस बहुत जरूरी है, तो हमें देना चाहिए, शुरू में दें या बाद में दें। उसके बाद देखिए फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप दे सकते हैं एनपीके 0:52:34, बहुत अच्छा रहता है ये फास्फोरस की पूर्ति के लिए। हमारी इसमें फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है, 52%, बहुत अच्छा रूट डेवलपमेंट करता है। तो हम इसको स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से भी देते हैं। ये हमारे पौधे को मजबूत भी बनाता है, इसमें पोटेशियम भी होता है। तो फास्फोरस 0:52:34 को आप स्प्रे में भी दे सकते हैं। तो स्प्रे आपको एक स्प्रे जरूर ले लेना चाहिए प्लांटिंग के 12 से 15 दिन बाद, या आपने बुवाई की है तो बुवाई के 20 दिन बाद हमें एक स्प्रे जरूर कर देना चाहिए 0:52:34 का, या आप ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। इसकी डोज हमें स्प्रे में रखनी होती है 5 ग्राम/लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। लेकिन जो आप फर्स्ट स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि वो हम जल्दी कर रहे हैं, प्लांट छोटा है, तो आप इसको 3 ग्राम/लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, उससे ज्यादा डोज उस समय ना दें, बाद में डोज को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो हमारा एनपीके 0:52:34 है इसका जरूर उपयोग करें, ये रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें फास्फोरस अच्छा है। अगर कैल्शियम की कमी है तो आपको कैल्शियम को भी पूरा करना है, वो भी ध्यान रखें, और बाकी जो पोषक तत्व बैलेंस मात्रा में होने चाहिए, कैल्शियम भी, क्योंकि कैल्शियम कम होने से आप फास्फोरस देते रहिए लेकिन अगर कैल्शियम है तो आपकी फसलों के रूट का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम के लिए आप जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए अच्छे जड़ डेवलपमेंट के लिए जो बहुत अच्छा काम करता है वो है हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा बहुत ही शानदार काम करता है, ये हमारी खेत के अंदर जो फास्फोरस पड़ी हुई है उसको अवेलेबल कराने का काम करता है, उपलब्ध कराने का काम करता है, यानी कि जो फिक्स फॉर्म में फास्फोरस है। तो ये क्या काम करता है, जो माइकोराइजा है ये हमारी जड़ों के साथ इसका संबंध रहता है, यानी कि एक तरफ तो जड़ों से टच रहेगी और दूसरी तरफ ये मिट्टी में बहुत दूर दूर तक फैली रहेगी। वहां पर क्या है, ये कुछ एसिड रिलीज होगी करेगी, तो एसिड रिलीज होंगे तो जो फास्फोरस मिट्टी के अंदर फिक्स फॉर्म में पड़ी है वो अवेलेबल फॉर्म में आएगी और वहां से उठाकर वो हमारे पौधे की जड़ों को उपलब्ध करा देती है। तो देखिए एक तो ये हमारी पौधे की जड़ों का जो एरिया है उसको बढ़ा देती है, क्योंकि ये स्वयं उनकी जड़ों से टच रह करके और बहुत दूर दूर तक चली जाती है। इससे हमारी अगर जड़ छोटी भी रह गई है जब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइकोराइजा फंगस अपने आप दूर दूर से जो फर्टिलाइजर वो हमारी जो खाद है पोषक तत्व है उनको हमारे पौधे को उपलब्ध कराती रहती है। तो माइकोराइजा बहुत ही अच्छी चीज है अच्छे जड़ डेवलपमेंट के लिए, तो हमें ये भी जरूर देना चाहिए। आप इसको सोइंग टाइम में ही दे सकते हैं, बेसल डोज के तौर पे लिक्विड भी आता है, दानेदार भी आता है, आप कोई भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ज्यादा बेहतर होता है। यदि आप बाद में दे रहे हैं, मान लीजिए सोइंग टाइम पे आप नहीं दे पाए हैं एज ए बेसल डोज, तो बाद में इसका ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है। डोज ये अलग अलग कंपनियों के आते हैं, तो डोज आप उसी कंपनी के हिसाब से जो कंपनी रिकमेंड करती है उस हिसाब से डोज रख सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे हम जमीन में जो डीएपी है वो डाल तो देते हैं लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं आ पाती है, हमारे पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो उसके लिए भी आपको जो पीएचपी बैक्टीरिया है वो जमीन में उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो पीएचपी बैक्टीरिया है फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये क्या काम करते हैं, हमारी मिट्टी के अंदर पड़ी फास्फोरस को अवेलेबल कराते हैं, जिससे वो घुलनशील फॉर्म में आती है तो हमारे पौधे उसको ले पाते हैं, जिससे फिर हमारे पौधे की जो जड़ है वो अच्छी विकसित हो पाती है। तो पीएचपी बैक्टीरिया भी बहुत जरूरी है जो पोषक तत्व पड़े हैं उनको अवेलेबल कराने के लिए, तो फिर उससे रूट फॉर्मेशन भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अच्छे जड़ विकास के लिए जो ह्यूमिक एसिड है वो भी काफी अच्छा रहता है, क्योंकि ये तृतीयक जो जड़ें होती हैं द्वितीयक तृतीयक जड़ें उनके फॉर्मेशन बढ़ा देता है, उनके विकास को बढ़ा देता है, जिससे पौधा अधिक न्यूट्रिशन ले पाता है। तो ह्यूमिक एसिड भी आप बेसल डोज के तौर पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेसल डोज में आप ह्यूमिक एसिड माइकोराइजा दोनों को मिक्स करके दे सकते हैं खाद के साथ, तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ह्यूमिक एसिड भी आप 1 किलोग्राम/एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं अपनी भूमि के अंदर, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये तीनों जो है बहुत अच्छा काम करते हैं। एक तो आपको फास्फोरस देना है अपने पौधे को उपलब्ध कराना है, किस माध्यम से कराते हैं वो आपको डिसाइड करना है,
दूसरा आपको कोशिश करनी है कि जो पड़े हुए फास्फोरस है आपकी जमीन के अंदर वो मिल भी पाए, ये भी देना है आपको। केवल देना ही नहीं है कि आपने फर्टिलाइजर डाल दिया बस आपका काम हो गया, नहीं, आपको ये भी एंश्योर करना है कि जो खाद हमने दिया है उसके पोषक तत्व हमारे पौधे को मिल पाए, वो भी हमें एंश्योर करना है। उसके लिए फिर आपको पीएसपी बैक्टीरिया का यूज करना है, क्योंकि वो हमारे पौधे में पड़ी फास्फोरस को अवेलेबल कराने का काम करते हैं। नहीं भी करते हैं तो, क्योंकि आप माइकोराइजा का उपयोग करते हैं तो वो भी यही काम करती है, वो भी सॉल्युबल बना करके जो फास्फोरस है उसको उपलब्ध कराती है। तो आप माइकोराइजा का उपयोग कर रहे हैं तो आप पीएचबी बैक्टीरिया को स्किप भी कर सकते हैं, और डालते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो आप कैसे डालेंगे, देखिए जो हमारा ह्यूमिक एसिड है और दूसरा हमारा जो ये माइकोराइजा है, दोनों को डाल दें बेसल डोज के तौर पर, बेसल डोज में ये दे दिया। उसके बाद आप खड़ी फसल में ड्रिंचिंग कर सकते हैं बीएसबी बैक्टीरिया जो लिक्विड फॉर्म में आता है, उसका आप खड़ी फसल में उपयोग कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे कि फसलों को की जो जड़ है वो अच्छी विकसित होंगी, उसके लिए जो न्यूट्रिशन है वो आप दे चुके हैं तो वो अच्छा डेवलपमेंट होगा। उसके साथ साथ देखिए एनपीके 0:34 का बीच बीच में स्प्रे लेते रहे तो वो भी हमारे पौधे को मजबूत करता है, जड़ों का विकास अच्छा करता है। तो ये फर्टिलाइजर हैं जिनका उपयोग करके आप जो जड़ हैं फसलों की उनका विकास निश्चित कर सकते हैं, यानी कि एक बेहतर विकास निश्चित कर सकते हैं आप अपनी फसलों का, जिससे पूरी फसल अच्छी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।